नमस्कार, क्लब जॉटन में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसानों की तरफ से प्रशासन पर घटिया बीज वितरण के आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार धमतरी कृषि विभाग के कर्मचारी ने ही अपने अधिकारी पर घटिया बीज वितरण का आरोप लगाया है और कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। मामले की जाँच शुरू हो चुकी है। धमतरी कृषि विभाग में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुनील देवांगन ने अपने उपसंचालक एलपी अहिरवार के खिलाफ ही कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। शिकायत भी कोई मामूली नहीं बल्कि किसानों के साथ ठगी और घोटाले का है। देवांगन के मुताबिक बीते रबी सीजन में जिले के सभी चार ब्लॉक के किसानों को कुसुम की फसल लेने के लिए प्रेरित किया गया और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इसके लिए कुसुम के PBSN 12 किस्म के बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया। किसानों को 40 रुपए प्रति किलो के दर से नगद बीज दिया गया, लेकिन ये बीज प्रमाणित ना होकर साधारण बीज था, क्योंकि जिस किसान से बीज लिया गया वो बीज प्रक्रिया केंद्र में पंजीकृत नहीं है, लिहाजा उसकी बीजों का लैब में कोई परीक्षण नहीं हुआ है और उस किसान को साधारण बीज की कीमत की जगह प्रमाणित बीज की कीमत अदा की गई, जिसमें लगभग दोगुने का फर्क होता है। बाजार में साधारण बीज सिर्फ 20 से 25 रुपए किलो का है, जबकि प्रमाणित बीज 40 से 45 रुपए में मिलता है। शिकायतकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया को बीज अधिनियम का उल्लंघन बताकर उपसंचालक पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। मैं शिकायत लेकर आई हूं उप संचालक कृषि द्वारा जो उत्पादित बीज है उसको प्रमाणित बताकर बेचवाया गया है। ये बीज जो है उप संचालक कृषि LP अहिरवार जो किसान भागवत राम साहू जो नवा गांव कंडेल धमतरी का कुसुम बीज है, जो हम लोग को बेवकूफ बना के मूर्ख बना के विकास खंड में बताया गया है कि ये किसान उक्त किसान पिछले साल रबी वर्ष 2017 में कुसुम बीज का उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था करके, और ये लेटर दिया गया है और इस तहत के तहत मतलब सभी विकास खंडों को लक्ष्य दे दिया, जबकि कृषि उत्पाद बीज है, वो बीज भी नहीं है। और ब्लॉकों में जा के बोलते गया कि ये इसको प्रमाणित बीज है, बांटो, इसको नहीं बांटोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, इंक्रीमेंट रोकेंगे, अनुशासन कड़ी करेंगे करके। ये LP अहिरवार उप संचालक कृषि द्वारा हर साप्ताहिक बैठक में चारों विकास खंड जैसे कुरू, धमतरी, मगल और नगरी में हर साप्ताहिक बैठक में ये दबावपूर्ण और मजबूर करते गया, भय दिखलाते गया। अभी हम मांग करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सूक्ष्म जांच हो और दोषी अधिकारी श्री LP अहिरवार उप संचालक के ऊपर कार्रवाई हो। हाँ, अभी कार्रवाई सूक्ष्म कार्रवाई का, उसको सीधा शासन स्तर से हम इसको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास भी शिकायत करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने जांच करवाने की बात कही है। कल जनरल में आवेदन दिए हैं, इसको हम जांच के लिए आदेशित किए हैं। जैसा जांच कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसका रिपोर्ट को देख के फिर इसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। जाहिर है धमतरी कृषि विभाग में अंदरूनी खींचतान के कारण ये मामला सामने आया है। देखना होगा कि शिकायतों की जांच में क्या निकलता है और क्या कार्रवाई होती है। धमतरी से भूपेन साहू की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।